हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइस, बस कुछ ही घंटे में शुरू होने वाले स्मैकडाउन से WWE होने वाला है पूरा चेंज। वो कैसे, वो तो आप सब अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। साथ ही साथ ये स्मैकडाउन होने वाला है समर स्लैम से पहले का आखिरी स्मैकडाउन। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में, क्योंकि WWE ने बहुत सारे बड़े बड़े चैंपियनशिप मैचेस ऑफिशियल कर दिए। सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ कि थंडर डोम में आपको रजिस्ट्रेशन करने में क्या कुछ डिफिकल्टी आ सकती है। इसके अलावा बात करेंगे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, जो कि हमें काफी जल्द देखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन से जुड़ी अपडेट से। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी के बीच। अब इस मैच में जीतेगा कौन, ये बताना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, बट जैसा कि सामने समर स्लैम है तो हो सकता है यहाँ पर हमें कोई भी क्लियर रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिखे, जिसकी वजह से ये मैच हमें बुक होता हुआ दिखे समर स्लैम के पेपरव्यू में। यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एजे स्टाइल्स के पास ही रहने वाली है, वो हारने वाले नहीं है। इसके अलावा बात कीजिए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लुचा हाउस पार्टी वर्सेस शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो के बीच। अब मुझे लगा था ये मैच हमें समर स्लैम के पेपर व्यू में देखने को मिलेगा, बट WWE ने इसे इस वीक के स्मैकडाउन में करवाना सही समझा और इसके अच्छे खासे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सिजारो एंड शिंस्के नाकामुरा अपनी टैग टीम चैंपियनशिप नहीं हारने वाले है, वो स्मैकडाउन में एज अ चैंपियन ही हमें बाहर निकलते हुए दिखेंगे। वहीं बात कीजिए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है बिगी वर्सेस सेमस के बीच। तो हम सब जानते हैं बिगी का सोलो रन शुरू हो चुका है WWE में, एंड लास्ट स्मैकडाउन में उनके एंड सेमस के बीच हमें फ्यूड भी स्टार्ट होते हुए दिखी थी, और WWE ने इस मैच को इस वीक के स्मैकडाउन में ऑफिशियल कर दिया। और देखकर लग रहा है कि WWE इस वीक के स्मैकडाउन को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस सेंटर से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एमवी सेंटर से, जिसकी वजह से WWE ने कुछ बड़े बड़े मैचेस भी ऑफिशियल किए। वहीं बात की जाए आस्का बेली एंड साशा बैंक्स के बारे में, तो हम सब जानते हैं आस्का रॉ में चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाली है साशा बैंक्स को, एंड स्मैकडाउन में चैंपियनशिप के लिए बेली को। और इस वीक के स्मैकडाउन में WWE के पास आखिरी मौका है इस मैच के लिए अच्छे खासे हाइप क्रिएट करने का, इसलिए देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या कुछ करती है। वैसे आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे कि आपको क्या लगता है इन दोनों वुमेन्स चैंपियनशिप मैचेस में किसकी किसकी जीत हो सकती है। वहीं बात की जाए रेट्रीब्यूशन के बारे में, तो चाहे रॉ हो या फिर स्मैकडाउन, ये टीम हमें हर जगह देखने को मिलती है एंड अपनी तबाही मचाती है, और इस वीक के स्मैकडाउन में भी हम सब यही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं कि जब इस वीक का स्मैकडाउन, जब लास्ट स्मैकडाउन होने वाला समर स्लैम से पहले का एंड ये एमवे सेंटर में होने वाला है, तो ये रेट्रीब्यूशन टीम क्या कुछ तबाही मचाती है। वहीं बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया है, वो है हमारे न्यू ब्रॉन स्ट्रोमन से रिलेटेड, जहां पर वो हमें आखिरी मैसेज देते हुए दिखेंगे फिंड ब्रे वाइट को स्मैकडाउन से पहले। अब लास्ट स्मैकडाउन में ब्रे वाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, या कहा जाए फिंड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलने वाला था, बट ये चीज हमें देखने को नहीं मिली। और जैसे ही फिंड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वहां से चले गए, तो हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें ये थिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि ये होने वाला आखिरी स्मैकडाउन समर स्लैम से पहले का, एंड यहाँ पर हमें फिंड आकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन पर, या फिर क्या पता फिंड आए तो ब्रॉन स्ट्रोमन ही उन पर अटैक कर दे। हाँ तो गाइस, यही कुछ बड़ी थिंग थी जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दी है एंड कुछ जो हमें देखने को मिल सकती है। वैसे आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इस वीक के स्पेशल स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। हाँ तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है WWE थंडर डोम से। तो आप इसमें रजिस्टर कर किस तरह वर्चुअल फैन बन सकते हो उसके बारे में मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, जिसकी लिंक आप सबको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर WWE ने कुछ पॉलिसीज रखी है जो कि आप सबको रजिस्ट्रेशन करने से पहले डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले थिंग ये है कि आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, यानी कि आप अगर उससे नीचे अगर आप सब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एंड दूसरी थिंग ये है कि ये बिल्कुल फ्री होने वाला, मुझे लगा था इसके लिए पैसे होंगे, बट WWE ने ये अनाउंस कर दिया कि ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो देन आपका नंबर डेफिनेटली से आने वाला है, हो सकता है वहां पर आपका नामो निशान नहीं हो, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी वर्चुअल फैन नहीं बन सकते। आप बनो कैसे, उसके लिए WWE उसी दिन आप सबको ईमेल करेगी या फिर कॉल कर वो थिंग बताएगी, और आप सबके पास कुछ लिमिटेड टाइम होगी, उसी टाइम के अंदर आपको उस लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना। अगर नहीं कर पाए तो आप सबका टाइम गया, कोई और फैन आ जाएगा। एंड ऐसा नहीं होगा कि एक ही फैन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बैठा रहेगा, मिनट मिनट पर फैंस चेंज होते रहेंगे ताकि मैक्सिमम फैंस को चांस मिले स्क्रीन पर आने का। वही हमें कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में WWE ने बताया, जैसे कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होता है देन आप ऑटोमेटिक टीवी से हट जाओगे, और स्क्रीन पर आप सबको वायलेंस एंड ऐसे वैसे कोई चीजें दिखाने नहीं है। तो गाइस यही कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन के जवाब दिए WWE ने थंडर डोम से रिलेटेड, और
आई होप कि आपको भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एंड अगर स्टिल आप सबके कोई क्वेश्चन है तो आप सब नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है द बीस्ट इनकॉर्डेड ब्रॉक लेसनर एंड द बिग डॉग रोमन रेंस के रिटर्न से रिलेटेड। तो इन दोनों का रिटर्न हमें काफी जल्द देखने को मिल सकता है, एंड इसका रीजन कुछ और नहीं, इसका रीजन है एमवे सेंटर। क्योंकि आप सबको बता दूं, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि WWE कंपनी में कई सारे लोग हैं जो कि स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अब रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न काफी जल्द होने वाला है, जब से उनके शोज एमवे सेंटर से देखने को मिलेंगे। और आप सबको पता ही है, दोनों में से कोई भी सुपरस्टार इंजर्ड नहीं है। रोमन रेंस तो हमें कोविड की वजह से WWE में देखने को नहीं मिल रहे, जब तक उन्हें सेफ नहीं लगेगा WWE में आना तब तक वो नहीं आने वाले। और विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को तो खुद लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाना उनके पैसे वेस्ट करने के बराबर था। बट हो सकता है कि अब जब WWE एमवे सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है एंड वहां पर हमें एटलीस्ट अक्टूबर तक तो शो देखने को मिलने वाले, तो हमें रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों का रिटर्न काफी जल्द देखने को मिले। और आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो, एमवे सेंटर का स्टेज अच्छा खासा बड़ा, इसलिए कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के फैंस के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव अपडेट है, जो भी उनके रिटर्न का वेट कर रहे थे। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आप एक्साइटेड हो ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के रिटर्न के लिए, जो कि हमें काफी जल्द देखने को मिलने वाला है। एंड आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।